आज हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट या मार्कशीट को अपन को एडिट करना है या उसमें कोई माइनर चेंज करना है, वो भी फोटोशॉप की तरह, तो वो अपन बेसिक से कंप्यूटर के पेंट के अंदर अपन कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। जैसे भी आप पेंट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं तो उसके एडिटिंग, जैसे भी आपकी कलर कॉपी होती है तो उसके अंदर आपको कुछ लगता है कि इसके अंदर एडिटिंग हुई है, लेकिन आज आप पेंट 3D के अंदर कुछ ऐसी एडिटिंग करेंगे जो एकदम आपको फोटोशॉप की तरह लगेगी और उसका पीछे का बैकग्राउंड भी नहीं हटेगा, और इस तरह से अपन एडिट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको सबसे पहले इस तरह से उसको पेंट ओपन विथ पेंट 3D में कर लेना है। जैसे आप उस पर राइट क्लिक करते हो विंडोज़ 10 के अंदर ये चीज़ आपके इनबिल्ट आती है, तो मैं इसको पेंट 3D के साथ ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करते ही मुझे कुछ इस तरह से इसमें लेआउट मिलता है। लेआउट के अंदर आपको अलग अलग तरह से आपको एडिटिंग ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिट करना है वो आपको मेन तरह से या तो आपको नाम चेंज करना होता है, या इसके अंदर कोई भी डेट जो होती है वो चेंज करनी होती है, या कुछ भी ऐड करना होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को जूम करूँगा। तो इसके अंदर जैसे मुझे मान लो ये जो भी डेट दी हुई है वैलिड अप टू, और इसके अंदर मुझे जो डेट दी हुई है 31/12/2024 को, तो इसको जैसे मुझे रिमूव करके यहाँ 2026 करना है, तो वो मुझे कैसे करना है उसके बारे में अपन जानते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा तो भी उसमें प्रोसेस इस तरह से सेम रहेगी। तो जिस तरह से आपके पास इस तरह से डॉक्यूमेंट आते ही, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कैनवास पर क्लिक करना है। कैनवास पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी चेंज करना है उसको आसानी से इस तरह से सेलेक्ट कर देना है। तो मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये शो हो जाएगा। सेलेक्ट होते ही आपको यहाँ पर मैजिक सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। मैजिक सेलेक्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये हाईलाइट दिखेगा, और जैसे आपको हाईलाइट दिखता है यहाँ पर रिमूव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डन करिए, तो जो आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपका हट जाएगा। तो ये हटते ही आप इसको दूसरी जगह एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। जैसे आपने डिलीट किया ये देखिए आपको पीछे का भी आपको आसानी से दिख रहा है, वो नहीं हटा है, और यहाँ पर जैसे भी आपको जो भी डेट डालनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट में फॉन्ट साइज जो भी दिख रही है उस हिसाब से आपको टेक्स्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट है वो कैलिबरी के अंदर है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे आपको सारी फॉन्ट स्टाइल भी मिल जाएगी, यानी कि जिस तरह से आपका फॉन्ट चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये फॉन्ट ले लिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, यानी कि मुझे 26 तक बढ़ानी है, तो यहाँ पर मैं इसको 6 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये सेम टू सेम इसके जैसा लगेगा, और इसको मैं इस हिसाब से मैं एडजस्ट कर दूँगा। जैसे आप एडजस्ट करोगे तो कुछ इस तरह से ये लेआउट में दिखेगा, और आपको साइड में क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से ये डेट आपके पास आ जाएगी। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ एडिटिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो जो बिल्कुल आपको फोटोशॉप की तरह लगेगी और आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे और भी जैसे किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है ये तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और भी कुछ एडिट करना है तो वो भी आपको सेम प्रोसेस कुछ इसी तरह से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जैसे कोई फॉन्ट है, जैसे मुझे ये फॉन्ट जो है यहाँ से रिमूव करना है, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।